नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, डंकी ने कल जबरदस्त वापसी की है। कल फिल्म के जो कलेक्शन की उम्मीद थी उससे ज्यादा कलेक्शन आया। अभी कैसे आया ये आप जानते हैं, लेकिन कई तरह के सवाल यहाँ पे जरूर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है, उसमें कई तरह के सवाल उठाए गए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों, डंकी का जो पहले दिन का कलेक्शन था वो 29.20 करोड़ रुपये का आया था, और दोस्तों इसका जो ग्रोस कलेक्शन था, वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन, वो करीब 58 करोड़ रुपए के आसपास था। डे टू को फिल्म के कलेक्शन में काफी ड्रॉप हुआ और 20.12 करोड़ का कलेक्शन आया, मात्र 20 करोड़ 12 लाख रुपए का कलेक्शन आया, और करीब 31% का ड्रॉप यहाँ पे देखा गया। दोस्तों, कल की बात करें, कल डंकी को ठीक ठाक थिएटर ऑक्यूपेंसी मिली। मॉर्निंग शो 21.64% थे, आफ्टरनून शो में काफी बढ़ोतरी हुई 37.80%, इवनिंग शो 48.40%, तो काफी बड़ा ये कि यहाँ पे जंप इवनिंग शो में देखने को मिला। और दोस्तों, नाइट शो 55.52%, नाइट शो भी काफी अच्छी थिएटर ऑक्यूपेंसी के साथ कर रहे। 10,977 शो है। पहले दिन फिल्म 15,000 शो पर रिलीज हुई थी, 5,000 शो कम हो गए फिल्म के, करीब करीब 4.5-5,000 शो कम हुए। और दोस्तों, करीब करीब दोस्तों कल का जो कलेक्शन किया, अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट है वो 25.50 करोड़ रुपीज की है। अभी ऑफिशियल पोस्ट जारी नहीं हुआ है। 25.50 करोड़ का कलेक्शन कल किया फिल्म ने, तो 3 दिनों का इसका नेट कलेक्शन हो जाता है 75 करोड़ रुपीज, 75 करोड़ का नेट कलेक्शन हो गया है। और दोस्तों, करीब 26% की ग्रोथ कल देखने को मिली है परसों के मुकाबले, जिसे ठीक कहा जाएगा। और 2 दिनों का जो इसका वर्ल्ड वाइड का ग्रोस कलेक्शन का आया था वो 103 करोड़ रुपए के आसपास था। तो आज अगर ये 25 करोड़ इसमें और जोड़ दे, इसका ग्रोस हो जाता है 30, तो 30 के अगर ये जोड़ दे इसके अंदर आज वाला, तो करीब करीब दोस्तों 133 करोड़ तो इंडिया ग्रोस हो जाता है 3 दिनों का, और 15-16 करोड़ ओवरसीज से फिल्म कमाती है, तो 150 करोड़। तो 3 दिनों में 150 करोड़ का जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो डंकी फिल्म का हो सकता है। और दोस्तों, जहां तक आज की बात करें, डे 4 की संडे है, डेफिनेटली आज फिल्म ज्यादा अच्छा कलेक्शन करेगी। और आज फिल्म को एडवांस बुकिंग भी काफी ज्यादा मिली है, 12.59 करोड़, 12.59 करोड़ की एडवांस बुकिंग है, जो कि पहले दिन से सेकेंड हाइएस्ट आप बोल सकते हैं। पहले दिन 15 करोड़ थी और पिछले 2 दिनों में 10 करोड़ के आसपास रही है, तो आज संडे के कारण करीब 12.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग है। तो फिल्म डेफिनेटली आज 30 करोड़ का मेरा प्रेडिक्शन है कि 30 करोड़ आज ये फिल्म डेफिनेटली करेगी, जो फिल्म के नेट कलेक्शन को 105 करोड़, मतलब 4 दिनों में 100 करोड़ फिल्म का नेट कलेक्शन हो जाएगा, और वर्ल्ड वाइड इसका करीब 200 करोड़ के आसपास कलेक्शन चला जाएगा ग्रोस कलेक्शन। तो देखते हैं किस प्रकार से डंकी आगे बढ़ती है, क्योंकि जो रिव्यूज मिले, जिस प्रकार से मतलब लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई, बोरिंग फिल्म बताया गया, और शाहरुख खान के प्रशंसकों को तो पसंद आई है, और सालार ने किस प्रकार से डंकी की धज्जियां उड़ाई, जिस प्रकार से बॉक्स ऑफिस पर सालार का पहले दिन का कलेक्शन और डंकी के 2 दिन का कलेक्शन मिला ले, मतलब डंकी के 2 दिन के कलेक्शन से सालार का 1 दिन का कलेक्शन काफी ज्यादा था। तो अब देखते हैं किस प्रकार से मतलब आगे डंकी जाती है, क्योंकि मेन जो सोमवार है, सोमवार को तो खैर 25 तारीख की छुट्टी रहेगी, तो सोमवार को भी अच्छा ही कलेक्शन आएगा। मंगलवार से सब कुछ पता चलेगा कि फिल्म कितनी सस्टेन करती है, कितनी नहीं करती है, देखने वाली बात जरूर होगी। बाकी फिल्म का बजट ज्यादा नहीं बताया गया, 120 करोड़ बताया गया फिल्म का बजट। हो सकता है कि कई जगह 170 करोड़ भी लिखा हुआ है, लेकिन 120 करोड़ बताया जा रहा है बजट, तो फिर तो फिल्म डेफिनेटली अपना बजट कल कवर कर सकती है, क्योंकि इसमें तो कोई शक वाली बात कहीं पर नजर ही नहीं आ रही है इस हिसाब से जो कलेक्शन आ रहे हैं। अब किस प्रकार से कलेक्शन आ रहे हैं, किस प्रकार से नहीं आ रहे, उसके बारे में आपकी क्या कमेंट है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बोलना।